आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। लक्ष्य में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी गई किताब में हिंदुत्व को लेकर की गई टिप्पणी से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने लक्सर नगर में प्रदर्शन किया। लक्सर विधानसभा प्रभारी शोभाराम प्रजापति के नेतृत्व में मंडल अध्यक्ष किशन पाल कश्यप, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहित काफी कार्यकर्ता चीनी मिल गेट पर इकट्ठा हुए और सलमान खुर्शीद और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फ्लाईओवर के किनारे पर सलमान खुर्शीद का पुतला जलाया। कार्यक्रम चल रहा है, ये जो देश विरोधी ताकतें हैं और देश को तोड़ने की साजिश कोशिश कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, ये कामयाब नहीं होने दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से निष्ठावान और देश के प्रति समर्पित पार्टी है। अगर कोई देश के लिए गद्दारी करेगा, देश के लिए गलत काम करेगा, देश के लिए गलत लिखेगा तो उसका विरोध होगा। आज सलमान खुर्शीद ने जो हिंदू समाज के बारे में अपनी किताब में जो अपशब्द लिखे हैं, मैं समझता हूं उनको ये संबंध नहीं है। जितना भी कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं का विरोध किया है वो रसातल में पहुंच गई है। आज हिंदुओं को ISI का एजेंट बता रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती, इस देश का खा रहे हैं, इसी देश के का विरोध करते हैं। ऐसे सभी नेताओं को इन्हें हिंदुस्तान से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस चुनाव नजदीक आते देख धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रही है। सलमान खुर्शीद ने जो श्री राम के नाम लेने वालों को आतंकवादी संज्ञा दी है, ISI की संज्ञा दी है, उन्हें समझ लेना चाहिए कि देश का 100 करोड़ हिंदू जिस दिन आतंकवादी हो जाएगा वो ये शब्द कहने लायक नहीं रहेंगे। आज विरोध में पूरे भारत में हर मंडल में आज कांग्रेस का पुतला दहन करने का कार्यक्रम हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से हमें आज दिया गया है। हम कांग्रेस पार्टी का, सलमान खुर्शीद का, और जो हिंदुओं का अपमान करेगा हम उसका पुतला फूकेंगे, उसे इस देश से, इस पार्टी से, उसे यहाँ से वोट की दृष्टि से भी और पुतले की दृष्टि से भी हम उसे इस देश से बाहर। भाजपाइयों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सलमान खुर्शीद से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग की और कहा ऐसे नेताओं को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, हम इनका बहिष्कार करते हैं। लक्ष्य से रामगोपाल की रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़ उत्तर प्रदेश।